दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रविवार की तड़के अंजलि नाम की एक युवती को एक कार ने टक्कर मार दी और शव 40 किलोमीटर तक घसीटा। मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों ने मृतक को न्याय दिलाने के लिए सुल्तानपुर थाने पर विरोध मार्च भी किया। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए एक आर्टिस्ट ने कोयले से 6 फीट का पोर्ट्रेट बनाया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हापुड़ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात कर्मचारी जुहेब ने अंजलि का कोयले से 6 फीट का एक पोर्ट्रेट बनाकर इंसाफ दिलाने की मांग की है। मेरा नाम जुहेब खान अमरोही है। मैं हापुड़ जनपद में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्यरत हूँ। मैं समय समय पर समाज में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूँ। आज मैंने अंजलि, जो दिल्ली में डेथ हुई है, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उस पर मैंने दुख जताते हुए कोयले से 6 फुट का पोर्ट्रेट बनाया है। उस पोर्ट्रेट के माध्यम से मैंने इंसाफ की मांग की है। ज्ञात हो कि रविवार की तड़के दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने टक्कर मार दी थी और कई किलोमीटर तक शव को घसीटा था, जिससे उसके कपड़े भी फट गए थे। आरोपियों ने करीब 40 किलोमीटर तक अंजलि का शव घसीटा, जिसकी लाश बाहरी दिल्ली के कंजावला इलाके में सड़क किनारे मिली। घटना से लोगों में काफी आक्रोश है, जिन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है।